एक्सपीरियंस है टोनी रॉबिन्स की लाइव इवेंट का, एंड दैट इज द अनलेश्ड पावर विद इन, वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों यहां पर मैं कुछ सीखने के लिए आया हूं और मेरी ये डेफिनेटली ख्वाहिश है कि उसमें से आपको भी कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ नॉलेज है जो आपके लिए काम में लगेगी। एंड इसलिए दोस्तों आज के फर्स्ट डे का जो मेरा लर्निंग है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आज के दिन में मुझे लगी कि टोनी रॉबिन्स इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। यस फ्रेंड्स, आज 57 की उनकी एज है, 57 की एज पे 12 बजे सिंगापुर के टाइम के पे 12 बजे टाइम जोन के अकॉर्डिंग उन्होंने 12 बजे इवेंट स्टार्ट किया, एंड देन आफ्टर इट वाज नॉन स्टॉप इवेंट। यस, इट वाज नॉन स्टॉप इवेंट रात के 12 बजे तक। यस, सो 12 से 12 वो हमारी आंखों के सामने ऑन स्टेज रहे हैं। एंड दोस्तों ये पूरी इवेंट के दरमियान देर इज नो लंच ब्रेक, देर इज नो रिफ्रेशमेंट ब्रेक, नथिंग। यस, एंड इनफैक्ट उनको देखने के लिए हम भी उतने एनर्जेटिक हुए कि दोस्तों हमने भी एक पानी के लिए ब्रेक लिया और एक वॉशरूम के लिए ब्रेक लिया, अदरवाइज फुल डे हम उन्हीं के सामने थे। सो दोस्तों नंबर वन जो उन्होंने भी आज के प्रोग्राम में हाईलाइट किया, एंड दैट वाज कि हमें हमारी एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, उसके लिए काफी सारी उन्होंने टिप्स एंड टेक्निक्स वगैरह भी बताई हुई है। सो नंबर वन उन्होंने फोकस किया, एंड दैट वाज द एनर्जी। कुछ जो डिटेल्स है जो टिप्स के रिलेटेड वो दोस्तों आगे के मेरे वीडियोस के अंदर मैं डेफिनेटली डालता रहूंगा। सेकंड टिप जो उन्होंने बताई, एंड दैट वाज कि कोई भी इमोशन या कोई भी घटना या कोई भी व्यक्ति हमें कभी भी स्ट्रेस या टेंशन नहीं देते। दोस्तों ज्यादातर हम स्ट्रेस या टेंशन में आ जाते हैं या तो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं किसी व्यक्ति को लेकर, किसी घटना को लेकर, किसी व्यक्ति के हमारे लिए इमोशंस को लेकर। बट आज के दिन में जो अगेन मेरा सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग रहा, एंड दैट वाज कि कोई व्यक्ति जो हमें कुछ कहता है या जो कुछ करता है वो हमें कभी स्ट्रेस नहीं देता, बट वो घटना को, वो व्यक्ति के वो शब्दों को हम कौन सा मीनिंग देते हैं वो हमारे दिमाग के अंदर स्ट्रेस या तो हैप्पीनेस क्रिएट करता है। यस फ्रेंड्स, एग्जाम्पल दूं, जैसे कोई एक व्यक्ति हमें आप अच्छे नहीं हो, आप बुरे हो, आप गंदे हो, ऐसे शब्द या ऐसे शब्द यदि हमें कहते हैं तो क्या फीलिंग होगी, क्या इमोशंस होंगे हमारे? शायद हर्ट के होंगे, शायद एंगर के होंगे। बट जरा सोचो यही शब्द एक 1.5-2 साल का छोटा सा बच्चा वो अपने पापा को कहता है कि पापा आप गंदे हो, जस्ट बिकॉज कि पापा ने अभी उसको चॉकलेट खाने से मना किया है। एंड वो छोटा सा बच्चा अभी अपने पापा को कह रहा है कि पापा आप गंदे हो, आप अच्छे नहीं हो, तो दोस्तों यही बात सुनने के बाद पापा शायद हंस लेंगे और कहेंगे कि ये तो छोटा बच्चा है। तो दोस्तों वो शब्द हर्ट नहीं करते, बट वो शब्द को हम जो मीनिंग देते हैं वो हमें हर्ट करते हैं। एंड दोस्तों आज के बाद मैंने भी डिसीजंस लिया है कि ऐसे जो भी शब्द की मीनिंग हमें हर्ट करते हैं, वैसे रॉन्ग मीनिंग्स को हम हमारे जीवन में हो सके उतना कम से कम करें, ताकि हम हमारे हैप्पीनेस इंडेक्स को और ज्यादा बढ़ा सकें। सो फर्स्ट, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करना है। नंबर टू, जो भी हमारे साथ घटना होती है उसको नेगेटिव मीनिंग ना देते हुए हम पॉजिटिव मीनिंग्स दे, ताकि वो घटना हमें स्ट्रेस या टेंशन ना दे। एंड थर्ड एंड फोरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों, जो आज मुझे इंडियन होने के ऊपर प्राउड फील होता है, बिकॉज इतने बड़े ह्यूज ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर लाइक सबसे बड़े व्यक्ति $6 बिलियन का ऑन एन एवरेज एवरी ईयर बिजनेस करने वाले टोनी रॉबिन्स ने आज इंडिया के बारे में और इंडियन कल्चर के बारे में काफी सारी अच्छी चीजें बताई, जिसमें से उनके कोई एक इंडियन गुरु है उनके बारे में उन्होंने कुछ काफी सारे एग्जांपल्स वगैरह दिए। दोस्तों साथ ही साथ में जब एक स्पेसिफिक एक मेडिटेशन हुआ, उस समय पे हमारे जो श्लोक्स एंड जो मंत्रास वगैरह होते हैं उसका प्रयोग किया गया। एंड दोस्तों अगेन और एक चीज इंडियन फिलोसॉफी के ऊपर उन्होंने बताई, एंड दैट वॉज दी ऑरा फोटोग्राफी। यस, क्लियर फोटोग्राफी होती है जिसके थ्रू हम हमारे ऑरा को मेजर कर सकते हैं, हम हमारे 7 चक्र को मेजर कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ योर ऑरा और ऑरा फोटोग्राफी, आप आने वाले समय में क्या क्या बीमारी आने वाली है या आपके दिमाग में इंटरनल जो थॉट प्रोसेस है आप उसको मेजर कर सकते हो। एंड दोस्तों अगेन मैं गर्व महसूस करता हूं कि जो जब टोनी रॉबिन्स ने ये सारी चीजें ऑन स्टेज बताई, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम वो ऑरा फोटोग्राफी हमारे अहमदाबाद सेंटर के ऊपर करते हैं। एंड अगेन ये प्रूवन साइंटिफिक मेथड है जिसके थ्रू आप अपने 7 चक्रास को एंड अपनी ऑरा को जान सकते हैं, अपनी ऑरा को और ज्यादा पॉजिटिव बना सकते हैं। एंड इन केस आप यदि वो चाहते हैं
तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर 0800333666 के ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। सो अगेन, इंडिया के बारे में जानते हुए, इंडियन कल्चर के बारे में, एक इंटरनेशनल स्पीकर जहां पर 23 कंट्री से आज यहां पर लोग आए हुए थे, इन वहां पर जब इंडिया के बारे में अच्छी बात हो रही हो तो मैं तो इंडियन होने के ऊपर प्राउड फील करता हूं। क्या आप प्राउड फील करते हैं दोस्तों? सो नंबर 3 एंड दैट इज कि हम हमारे कल्चर को इम्पॉर्टेंस देना शुरू करें। इनफैक्ट उन्होंने जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह भी सिखाई, वो भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे लाइक इंडियन कल्चर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिज़ाइन की हुई है। एंड दोस्तों, फोर्थ थिंग जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, एंड दैट इज नॉट इंफॉर्मेशन बट द डिसीजन दैट विल चेंज योर लाइफ। येस फ्रेंड्स, ज़्यादातर हम इंफॉर्मेशन गैदर करने में लगे हुए होते हैं, बट दोस्तों इंफॉर्मेशन से कभी भी हमारी लाइफ चेंज नहीं होती। काफ़ी सारे लोग YouTube के ऊपर वीडियोस देखते हैं या लाइक Facebook के ऊपर, जैसे आप अभी मुझे लाइव सुन रहे हैं दोस्तों सिंगापुर से, तो ये यदि वीडियो को आप देखते हैं, ये चार टेक्निक को आप सीखते हैं या जानते हैं, एंड उसके बाद में ये वीडियो को लाइक थम्स अप देते, लाइक देते, हार्ट देने के बाद, कोई कॉमेंट्स करने के बाद जस्ट वीडियो को छोड़ देते हैं, तो सॉरी टू से दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है। एंड इंफॉर्मेशन से लाइफ कभी चेंज नहीं होती। इनफैक्ट इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड होने के कारण बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड टेंशन बढ़ता है, जहां पर हमें लगता है मैं सब कुछ जानता हूं बट कुछ कर नहीं सकता। एंड दोस्तों, इसीलिए आज जो टोनी रॉबिन्स ने सबसे ज्यादा महत्व ये पॉइंट को दिया था कि फोकस ऑन डिसीजन, टेक डिसीजंस। एंड दोस्तों अगेन, मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि आप आपकी लाइफ में कौन से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उससे कोई बदलाव नहीं आएगा, बट आप कौन से डिसीजंस लेते हैं उससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सो अगेन, आउट ऑफ दिस 4 टेक्निक्स और टिप्स, आपकी लाइफ के लिए कौन सा डिसीजन लेते हैं, आई वुड रिकमेंड वो भी, वीडियो कैसा लगा उसके साथ कमेंट में आप वो भी शेयर करें कि आप आपकी लाइफ के लिए कौन सा डिसीजन लेते हैं। दोस्तों, आज मैंने मेरे लाइफ के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है, एंड दैट इज कि मैं मेरी हेल्थ के ऊपर ये साल सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला हूं। यस, एंड इनफैक्ट डेली बेसिस के ऊपर मैं, हालांकि एक्सरसाइज मेरा होता है बट कंपेरेटिवली थ्राइस अ वीक और कंपेरेटिवली 4 डेज अ वीक मैं एक्सरसाइज या जॉगिंग करता हूं। बट दोस्तों, आज मेरा डिसीजन है कि नाउ 6 डेज अ वीक कंपलसरी मेरा एक्सरसाइज या तो जॉगिंग होगा ही होगा, राइट? और यस, फर्स्ट डे आज का कंप्लीट हुआ है। काफी सारी और भी टेक्निक्स थी दोस्तों, बट अगेन मैं कहूंगा कि जब भी आप लोगों को चांस मिले टोनी रॉबिन्स को लाइव देखने का, 57 ईयर्स की एज पे 12 घंटे विदाउट एनी ब्रेक स्टेज पे देखने का मौका मिले, तो दोस्तों ये शायद मैं कहूंगा कि ये मौका कभी भी ना छोड़े। सो जो भी कंट्री में नेक्स्ट उनकी कोई इवेंट होने वाली हो, आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार चेक करें। एंड इनफैक्ट मेरी भी ध्यान में जब कोई इवेंट आएगी तो फेसबुक लाइव के थ्रू मैं बताऊंगा। कल सेकेंड डे है, कल अर्ली मॉर्निंग में हमें जाना है। अगेन कल 12 घंटे नॉन स्टॉप विदाउट ब्रेक उस स्टेज पे बोलने वाले हैं। सो कल के डे का लर्निंग कल रात को आने के बाद जानेंगे। सो आई होप कि आपने ये सेशन एंजॉय किया होगा, एंड मिलते रहेंगे, खेलते रहेंगे। बाय बाय, गुड नाइट।